हेलो दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट चैनल पर आप सब लोग को फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो लेकर आया हूँ मैं लिंक शॉर्टनर जो एप्लीकेशन जो वेबसाइट होता है, इस वेबसाइट का बारे में आज की इस वीडियो लेकर आया हूँ मैं। दोस्तों बहुत अच्छा लिंक शॉर्टनर एप्लीकेशन मिला है मुझे, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ और दोस्तों इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अर्निंग दे रहा है। दोस्तों लिंक शॉर्टनर बहुत लोग ने चला रहा होगा और बहुत लोग नहीं चला रहा होगा, तो दोस्तों ये जो लिंक शॉर्टनर है बहुत अच्छा है। मैंने भी पहले बहुत लिंक शॉर्टनर चलाया लेकिन इससे अच्छा नहीं मिला, आज जो मिला है मुझे बहुत अच्छा लिंक शॉर्टनर मिला है। दोस्तों तो इस लिंक शॉर्टनर का अंदर किस तरह अकाउंट क्रिएट करना और किस तरह लिंक कॉपी टू पेस्ट करना है, ये सब देखने के लिए हमारा साथ बने रहिए और वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों इस जो लिंक शॉर्टनर है, इस लिंक शॉर्टनर ने एक अगर मान के चलो किसी लिंक अभी कन्वर्ट करके किसी सोशल मीडिया पर, वेबसाइट या यूट्यूब या ब्लॉग पर आप शेयर करते हो तो 1000 क्लिक पर आपको मिलेगा क्या, 1000 क्लिक पर आपको मिलेगा $10। दोस्तों अगर मान के चलो इस लिंक के ऊपर आप 1000 क्लिक कराया तो आपको $10 मिल जाएगा और रेफरल भी अर्निंग साथ में मिल जाएगा। मान के चलो अगर आपने किसी को रेफरल दे दिया तो इस रेफरल अर्निंग को आपको जी मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, मेरा वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है। दोस्तों इस लिंक का ऊपर सिर्फ आप क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो मैं लिंक को कॉपी कर दिया, उसके बाद किसी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह एक इंटरफेस सामने आ जाएगा, आपको देखने मिलेगा। तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइए, जाने के बाद ये देख लीजिए रेफरल बोनस जो है 20% मिलेगा। मान के चलो अगर किसी को आप रेफरल दे दिया तो 20% मिलेगा। उसके बाद ये 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और नीचे जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है ये रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको एक यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड देना है और ये जो आई एग्री पर दिखाई दे रहा है इसको टिक मार्क लगा देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड और रजिस्टर पर क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं पहले से बना लिया अकाउंट इसलिए नहीं बना रहा हूँ, अकाउंट करना बिल्कुल इजी है, आसानी से अकाउंट बना सकते हो या फिर ज़्यादा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अकाउंट बना सकते हो। तो मैंने लॉगिन करके देखा रहा हूँ, मेरा अकाउंट तो पहले से मैं क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है अकाउंट बनाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ईमेल और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है योर URL है यार, यहाँ पे किसी URL पेस्ट कर देना है और नीचे जो शॉर्टन दिखाई दे रहा है इस शॉर्टन पर क्लिक कर देना, आपका URL जो है छुटा हो जाएगा। उसके बाद आप इस URL को कॉपी करके यूट्यूब या वेबसाइट या व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर सकते हो। उसके बाद ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है और आपका पेमेंट किस तरह लेना है बैंक अकाउंट पर वो भी देख लीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपका बैलिज एड्रेस देना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी देना है, स्टेट देना है, जिप कोड देना है, कंट्री देना है और फ़ोन नंबर देना है और किस बैंक पर लेना है वो भी देख लीजिए, पेपाल या बैंक या UPI या तेजा या पेटीएम। अगर मान के चलो आपका पेपाल अकाउंट है तो बहुत अच्छा है
वरना आप किसी बैंक पर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। और उधर लिमिट $5 होने का बाद किसी बैंक पर ले सकते हो आपका। उसके बाद ये जो नीचे दिखाई दे रहा है उधर अकाउंट, जो जिस अकाउंट पर आपका अकाउंट है, जिस वेबसाइट पर, ये पेपाल या बैंक या यूपीआई या तेजा, इस जीमेल जो है ये नीचे जो उर्दल अकाउंट दिखाई दे रहा है इस बॉक्स का अंदर ये इस जीमेल को डाल देना है। डालने के बाद ये नीचे जो दिखाई दे रहा है सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका बैंक लिंक हो जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट पर जाइए और ये जो दिखाई दे रहा है उर्दो, उसको उर्दो पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जितना डॉलर हो जाएगा आपका, ये सब डॉलर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो नीचे उर्दो दिखाई दे रहा है उर्दो पर सिर्फ क्लिक कर देना है, आपका जितनी सारी डॉलर हो जाएगा सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस एड्रेस दिया है आप, जिस बैंक का डिटेल्स दिया है, इस बैंक का अंदर चला जाएगा। दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। तो मेरा अकाउंट नया है, अभी तक डॉलर नहीं हुआ, लेकिन मेरा और एक अकाउंट है, मैं अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ, दिखाऊँगा सब लोग को ये नया एक अकाउंट किया आप सब लोग को दिखाने के लिए। दोस्तों इस तरह आप इस लिंक शॉर्टनर चला सकते हो, बहुत आसानी से मनी अर्न कर सकते हो। दोस्तों मेरे वीडियो देख के सब लोग अच्छा लगे, किसी काम पे आ जाए तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं और दिन ऐसे वीडियो लेता रहूँगा, आप सब लोग को मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना, तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।